जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भोंगल नियर डीएलएम रिसोर्ट पठानकोट। टैक्सेशन बार एसोसिएशन की ओर से बैठक का आयोजन वैभव अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इनकम टैक्स का नया पोर्टल बनाया गया है वो सही काम नहीं कर रहा है। पिछले महीने भी उन्होंने कहा कि RTIR फॉर्म नंबर 4 और 5 डाउनलोड नहीं हो रहा था, जिसके चलते इनकम टैक्स भरने वालों को आयकर रिटर्न नहीं भरी जा रही थी। इसके साथ ही पोर्टल में अगर रिटर्न भरी जाती है तो इसकी एक्नॉलेजमेंट की रसीद बाहर नहीं आती है, जिससे लोगों में दिक्कत है। उन्होंने कहा कि नए पोर्टल में फॉर्म 26AS जिनमें TDS और GST का विवरण होता है वो भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, जिस वजह से कार्यदाताओं को तनाव है और इस गलती को जल्द से जल्द सुधारा जाए ताकि लोगों को राहत हो। ये जो आज की बैठक हुई है ये टैक्सेशन बार एसोसिएशन पठानकोट की तरफ से रखी गई है। इसके अंदर जो आज का मेजर मुद्दा है वो जो इनकम टैक्स का पोर्टल 7 जून 2021 को शुरू हुआ डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके ऊपर रखी गई है और उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उसके ऊपर रखी गई है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, अभी तक ये पोर्टल आज 2 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक ढंग से चल नहीं पा रहा, ना ही इसके अंदर से कोई रिटर्न डाउनलोड हो पा रही है, ना ही कुछ अपलोडिंग हो पा रही है, जिसके कारण करदाताओं को बहुत मुश्किलें आ रही हैं। साथ में कोई भी जो करदाता है जिनको अपनी रिटर्न्स चाहिए लोन अप्लाई करने के लिए या कहीं बाहर जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उनके पास रिटर्न्स नहीं मिल पा रही उनको और फाइल नहीं हो पा रही हैं। इसके लिए बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी हमारी एसोसिएशन की तरफ से भी जा चुकी है वित्त मंत्रालय को, पर अभी तक इसके ऊपर जो एक्शन है वो बहुत धीमे से या नहीं हो पा रहा है और आगे भी इसमें उम्मीद लग रही है। और बेशक डेट सरकार ने एक्सटेंड कर दी है, बट फिर भी उम्मीद लग रही है कि ये एक्सटेंडेड डेट के अंदर भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि फॉर्म नंबर 3, 5, 6 और 7 जो कि बिजनेस रिलेटेड फॉर्म्स हैं वो आज तक उसका जो है अपलोडिंग का कोई सिस्टम नहीं बन पाया है, ना ही ऑडिट रिपोर्ट की कोई अपलोडिंग का सिस्टम अभी तक पोर्टल के अंदर बन पाया है। काफ़ी लोगों को नोटिसेज आ रहे हैं 148 के या केसेस कराने के, जो कि नोटिसेज जो हैं वो भी आज तक उनकी जो फाइलिंग है, जो उनके ई प्रोसीडिंग्स के टैब है जहाँ पे वो रिप्लाई फाइल होने हैं वो ढंग से नहीं चल पा रहे हैं। तो इसके इन सब दिक्कतों के कारण हम सरकार से अपील करते हैं, या तो जो पुराना पोर्टल है उसको वापस चलाया चालू किया जाए, या जो इसके लिए दिक्कतें लोगों को आ रही हैं उसको शीघ्र ठीक किया जाए। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।